हेलो दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं हम संत रामपाल जी महाराज सानिध्य में आए हुए हैं, जिनका 3 दिवसीय समागम भंडारा चल रहा है यहाँ पे सतलोक आश्रम बैतूल में। और ये एक जूता घर बनाया गया है जिसमें जूतों की सेवाएं जो कि सुरक्षित रखे जाते हैं आपके, चाहे आप 2 दिन में लौटें या 3 दिन में लौटें। और आइए हम बात करते हैं इनसे जो कि यहाँ जूता घर में सेवादार जो सेवाएँ दे रहे हैं जी, तो इनसे मिलते हैं और इनके विषय में क्या चर्चाएँ करते हैं, थोड़ा सा क्या है यहाँ का, कैसा बात करते हैं जी। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आप? हरीश दास। कहाँ से आए? उज्जैन मध्य प्रदेश से। संत रामपाल जी महाराज से कब जुड़ गए? 2012-13 से। संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने के लिए आपको कहाँ प्रेरणा मिली? साधना चैनल पे 7:30 बजे सत्संग आते हैं, उससे प्रेरणा मिली। संत रामपाल जी महाराज से आप जैसे जुड़े तो उसके बाद आपको कोई शारीरिक आर्थिक या शारीरिक लाभ हुआ है? हाँ, शारीरिक लाभ हुआ है, शरीर में जलन का रोग ठीक हुआ है, आर्थिक लाभ भी हुआ है, नशा मुक्ति हुई, बीड़ी सिगरेट दारू छूट गई है, और मेरी जॉब भी नहीं थी, मुझे जॉब भी अच्छी मिल गई है। जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि आप यहाँ संत रामपाल जी के जो समागम है, 3 दिवसीय भंडारा चल रहा है, इसमें आप जूता घर में सेवाएं दे रहे हैं, तो ये 3 दिवसीय भंडारा में आपका 3 दिन का कैसा अनुभव रहा है यहाँ की सेवाएं देकर, और कैसा लग रहा है आपका इधर? अनुभव बहुत अच्छा है, सारी सेवाएं व्यवस्थित रूप से चल रही है, परमात्मा की दया से करे कराइया साई मन में लहर उठा, दादू सिर्फ के दीप पे आप बगल हो जाए। परमात्मा सेवा हमको जो देते हैं वो परमात्मा खुद देते हैं, और उनका लाभ हमको देते हैं, उससे हमको सतलोक की प्राप्ति होगी। जैसा कि आपको ऐसा नहीं लग रहा कि हम ये जूते का काम कर रहे हैं, ऐसी कोई मन में ग्लानी या कोई ऐसा डगमगाहट विश्वास? ईश्वर की कोई भी सेवा छोटी या बड़ी नहीं होती, सभी सेवा बड़ी होती है, जूते सेवा, बाथरूम सेवा, सभी परमात्मा की सेवा है, और वो कोई ग्लानी वाली सेवा नहीं है, तो हमारे पाप कर्म को काटने वाली सेवा है। आपको देख रहे हैं, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? उनको संदेश ये देना चाहूँगा, दास तो संदेश देने अनुसार नहीं है, लेकिन मालिक का नियम एक है कि सबका मालिक एक है, सबका परमात्मा एक है, तो पूरे विश्व में सबका मालिक एक है, तो सबका परमात्मा भी एक होगा, सबका गुरु भी एक होगा, तो सबका गुरु एक जो है वो वर्तमान में तत्वदर्शी संत है, सभी धर्मगुरुओं को, जितने भी धर्मगुरु हैं उन सबको उन्हें आमंत्रित कर रखा है। आपके पास अगर सत्य ज्ञान है तो आइए ज्ञान चर्चा करिए, डिबेट करिए, अगर वो डिबेट में नहीं आते तो हारे हुए माने जाएंगे। तो इस आधार पे तत्वदर्शी संत वर्तमान में पूर्ण परमात्मा कबीर साहब के अवतार संत रामपाल जी महाराज ही है, उनसे नाम उपदेश देके अपना कल्याण करवाएं। जैसा कि अभी किसी को नाम दान लेना है तो उसके लिए क्या करना? नाम दान लेने के लिए हमारे जो साधना चैनल पे पीली पट्टी आती है, और हमारे अन्य साधना चैनल पे के अलावा भी और सत्संग आते हैं दूसरे चैनल पे, उसमें पीली पट्टी रहती है, उसमें नामदान का आपको पता मिल जाएगा, हमारे नज़दीकी केंद्र पे जाके नाम दीक्षा ले सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हर जिले में हमारे नाम दीक्षा केंद्र है, आप नज़दीकी केंद्र से आप नामदान ले सकते हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सत साहेब जी।